मैं फिर से अपने सभी व्यूअर्स का एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ साथ बताता चलता हूं। ये मेरे सामने पैशन प्रो बाइक है। दोस्तों क्या है कि सुबह सुबह गाड़ी काफ़ी ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा रेस देना पड़ता है और हल्के झटके ले लेके चलती है। चोक लगाओ तब जाके 2-3 किलोमीटर गर्म होने के बाद तब जाके थोड़ा सही चल पाती है। हल्की रेस में झटके से लेती है और जैसे ही अगर तेज़ चलाते हैं तो गाड़ी सही चलती है। तो जैसे ये पैशन प्रो, पेरो गाड़ी और अपने शाइन वगैरह, इनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, तो उसका क्या सुझाव है वो आपको बताते चलते हैं, क्या करना है, कैसे इसको ठीक करना है। वीडियो में बने रहिएगा पूरा एंड तक, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूं और आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से गाड़ी प्रॉब्लम करती है। सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा इसको रेस दे दे के रेस बनाना पड़ती है, तब जाके गर्म होती है, तब जाके चल पाती है। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गियर लगा के बढ़ाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे इसको स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक बंद स्टार्ट हो रही है, लेकिन क्या है कि पूरी तरीके से इस तरीके से करते रहो काफ़ी देर तक, तब जाके ये चल पाती है। फिर बंद स्टार्ट हो रही है हर बार, ऐसे कर रही है। बहुत देर तक दोस्तों इसको रेस दे दे के रखो, तब जाके ये फिर से बंद हो गई। ऐसे कर रही जैसे पेट्रोल सा खत्म हो रहा है। चलिए मैं गाड़ी को बंद करता हूं और इसकी प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। तो बताता चलूं, इसके लिए आपको इसकी कार्बोरेटर की सेलेक्ट को खोल लेना है। सेलेक्ट को बाहर निकालेंगे, इस तरीके से इसको बाहर की तरफ पुश कर लूंगा। तो इसकी सेलेक्ट को बाहर निकाल लिए हैं। सेलेक्ट को निकालने के लिए क्या करना है, इसको निकालने के लिए इस तरीके से आप दबा लें, इस तरीके से एक बार अच्छे से खींचते हैं, थोड़ा रेस का तार जाम है इसका, इस तरीके से, और ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। सेलेक्ट को बाहर निकाल लेना है, क्या करना है दिखाता चलता हूँ। इसके लिए आपके पास एक पिन पेचकस होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे और इसको थोड़ा एंटी क्लॉज घुमाना होगा आपको। अगर नहीं घुमा पा रहे हैं तो यहाँ से इसको थोड़ा घुमा लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। थोड़ा कोशिश करना होती है, निकल जाता है। तो इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है छोटा सा, इसका ध्यान रख लें, इसको यहाँ पे रख लें और इसकी ये सलाई जो है इसको बाहर निकाल लें। तो दोस्तों होता क्या है, इसमें कोई सेटिंग करने का ऑप्शन नहीं होता है, जैसे हमारा पहले की गाड़ियों में ओल्ड वाली होंडा वगैरह में, हीरो होंडा के जब आता था तो उसमें सेट करने का सिस्टम आता था इस तरीके से। तो इसमें हम खांचे सेट कर लेते थे, इसमें 6 तक इसमें लाइनें होती थी और लॉक रहता था, तो बट इसमें होता नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये एक्सरे की पन्नी आती है, इसको इस तरीके से काट लें। और वैसे भी अगर आपको टीपी गॉड्स वगैरह का जो रिंग का पैकेट होता है उसमें भी ये चीज़ मिल जाती है, तो आप ये पन्नी इस तरीके से ले लें और इसको 2 बार इस तरीके से करें और एक बार ऐसे करके कर लें इस तरीके से, और हल्का सा इसको कैची से माइनर था काटना है, बहुत ज़्यादा ना काटें इस तरीके से, ठीक है। इसको काटने के बाद क्या करना है, इसकी जो सलाई है दोस्तों इसको यहाँ पे इस तरीके से डाल दें, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, इसका फालतू का हम एरिया सारा काट देंगे। इसके बिल्कुल मुझे बराबर कर लेना है, चारों तरफ से कैंची से अच्छे से काट देंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपको तभी बता रहा हूँ, मैंने कई बाइकों में लगाया है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से इसको बराबर काट लें। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लगा दी है, इसमें हल्की देख लीजिएगा आप, बस हल्का सा इसका पैकिंग बनाना है एक, और इस तरीके से इसमें लगा देना है। अब आपको क्या करना है, इसके स्प्रिंग का ध्यान रख लीजिएगा, इस तरीके से डाल लें पहले और पिन पेच का सपना ले लें,
मैं आपको दिखाता चलता हूँ। इस तरीके से थोड़ा लग जाता है आराम से भी। स्प्रिंग का खास ध्यान रख लें और इस तरीके से रख के इसको सेंटर में रख लें इस तरीके से, और ऑटोमेटिक इसको घुमा दीजिएगा, थोड़ा यहाँ से डाल के घुमा दें इस तरीके से। तो ये ऑटोमेटिक मेरी सलाई फिट हो गई है इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया, फटाफट इसमें क्या करता हूँ, इसका स्प्रिंग लगाता हूँ। इसका स्प्रिंग लें और इस तरीके से लगाएं, और इसमें थोड़ा स्प्रिंग को बाहर की साइड पुश कर लें, और ऐसे खींचने के बाद क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से डालें और इसको खींचने के बाद यहाँ से लगा दें, बस इस तरीके से करना है। कट वाला हिस्सा सीधे हाथ पे रखना है, उल्टे हाथ पे को, और जो पूरा कटा रहता है इसको सीधे हाथ पे इस तरीके से इसको फिट कर दें। और मैं सेलेक्ट फिट करके अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। सेलेक्ट को टाइट कर दिए हैं पूरी तरीके से, अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे, चाबी स्विच ऑन करेंगे। तो गाइस पूरी तरीके से रेस ले रही है गाड़ी, तो जिस तरीके से हम आपको बताएं बस इसी तरीके से कर लीजिएगा। वैसे तो ये शाइन में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, और प्रो में स्प्लेंडर प्रो या पैशन प्रो इनमें थोड़ा इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि इसमें सलाई में हमारे एडजस्टिंग का सिस्टम नहीं होता है, तभी प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।